नकली किसानों के चेहरे के ऊपर लगा नकली मुखौटा उतर चुका है। पहले दिल्ली को जलाया, अब बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। लेकिन नकली किसानों के नेता कहने वाले टिकैत गायब हैं। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों की आड़ में फर्जी धरने पर बैठे आंदोलनजीवियों पर पहले लाल किला हिंसा का कलंक लगा, अब एक और बड़ा दाग लगा है। मामला बेहद संगीन है। दरअसल मामला इस बार नकली किसानों के झांसे में आई पश्चिम बंगाल की एक लड़की के बलात्कार से जुड़ा है। हालांकि लड़की की कोरोना से हाल में मौत हो गई, लेकिन उसके पिता ने 6 लोगों पर रेप का केस दर्ज कराया है। लड़की की अप्रैल को कोरोना से मौत हो गई। 11 अप्रैल को आरोपियों के साथ लड़की दिल्ली आई थी। मौत के बाद गैंगरेप का मामला सामने आया। अब किसान आंदोलन से जुड़े 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरखास्त के अनुसार उन्होंने अनिल मलिक और अनूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उनके अन्य साथी भी साथ में हैं और मुकदमा दर्ज करने के बाद SIT गठित कर दी गई है। अब इन आंदोलन जीवियों से पूरा देश जवाब मांग रहा है। पहले दिल्ली को जलाया, फिर लाल किले पर बदनुमा दाग लगाया, अब नरभक्षी बन बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। लेकिन नकली किसानों के नकली नेता राकेश टिकैत गायब हैं। एक बंगाली युवती जो तथाकथित किसानों को समर्थन करने वो आई थी बेचारी अपने अभिभावकों के साथ, उस युवती के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म, गैंग रेप, और उसके बाद शी इज नो मोर, शी इज डेड, शी इज सकम्ड इन अ हॉस्पिटल, और इस पे चुप्पी। और इस रिपोर्ट में ये एक बहुत दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, बड़े बड़े अखबारों में छपे हुए हैं सब। किसान नेता योगेंद्र यादव घटना से वाकिफ थे, पुलिस को नहीं बताया। नकली किसानों ने दुष्कर्म के केस को दबाने के लिए जमकर साजिश रची। युवती की मौत के बाद टिकरी पर शव यात्रा निकाली गई, घड़ियाली आंसू बहाए गए ताकि किसी को शक ना हो, कोई सवाल ना उठा सके। लेकिन पीड़िता के पिता से रहा नहीं गया और उसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की ठानी और पहुँच गए टिकरी बॉर्डर। लेकिन नकली किसानों ने पीड़िता के पिता को डरा धमका कर भगा दिया। आखिरकार हारा थका हुआ पिता इंसाफ के लिए पुलिस की शरण में पहुंचा। नहीं, पूरी कार्रवाई की जाएगी और एक एक आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत जघन्य अपराध हुआ है। आंदोलन की आड़ में इस प्रकार के काम होना ये बहुत निंदनीय है। सवाल है, दिल्ली को धमकी देने वाले राकेश टिकैत कहाँ है? अपनी मीठी मीठी बातों से जनता को गुमराह करने वाले योगेंद्र यादव मौन है। साफ है, किसानों के नाम पर नकली किसानों की तानाशाही अब नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां चित्तूर जिले में ऑक्सीजन सप्लाई घटने से 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की